पढ़ी नहीं है। ये तो एपीएस में पढ़ती है। हाँ, हेलमेट उतार रहा हूँ भाई साहब। ये डेली लड़कियों को स्टॉक कर रहा है, स्कूल से घर जा रही लड़की का पीछा कर मोबाइल नंबर मांगना और छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस कर्मी को निलंबित कर दिया गया है और गुनाह भी दाखिल किया जा रहा है। पुलिस कर्मी का नाम शहादत अली बताया जा रहा है। मामला लखनऊ का है, जहां शहादत अली लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली में डायल 112 में तैनात हैं और अब इनकी ये वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जो एक महिला ने ये वीडियो बनाया है। शहादत अली पर आरोप है कि शहादत अली अक्सर कैंट इलाके में स्कूटी से पीछा कर महिलाओं के साथ छेड़खानी करता था। इसी तरह से स्कूल से जा रही लड़की का स्कूटी से पीछा करते हुए उससे बात करते हुए ये जनाब चल रहे थे, तभी एक महिला ने पीछे से इनका वीडियो बनाते हुए शहादत अली को रोक लिया और शहादत अली को फटकार भी लगाने लगी। इस दौरान पुलिसकर्मी शहादत अली लड़की को अपनी बेटी का सहेली बताने लगा था। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद शहादत अली को निलंबित कर दिया गया है और इन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जानते हैं आप उनको? आपके बच्चे के साथ पढ़ती है। एक सेकंड रुकिए, गाड़ी इधर साइड आइए। आपके बच्चे के साथ पढ़ती है? ये केंद्र विद्यालय पढ़ती है। केंद्र? ये तो एपीएस में पढ़ती है। हाँ, हेलमेट उतार रहा हूँ भाई साहब। ये डेली लड़कियों को स्टॉक कर रहा है, इतना ड्रेस करके रखा है। यही है, यही है। क्या बताऊँ, वीडियो बनाओ इसका। बना लिया। तुम्हारी गाड़ी में नंबर क्यों है? दीदी ये गाड़ी मेरी बैटरी वाली है। फोटो खींचा तुमने? हाँ, फोटो है। बैटरी वाली में नंबर नहीं होता? नहीं होती दीदी। क्या समझते हो? फोन करिए, फोन करके बुलाइए वो टीचर को। फोन दो, मेरा फोन दो। जानकारी के लिए बताना है कि कैंट थाना क्षेत्र में एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी जिसका नाम हेड कांस्टेबल सादत अली है, उसके द्वारा आपत्तिजनक व्यवहार किया जा रहा था। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि उस पर तत्परता से कार्रवाई की गई है और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करते हुए इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इस प्रकरण में की जा रही है। ये भी बताना आवश्यक है कि इस तरीके की कोई भी शिकायत यदि आती है जिसमें गंभीर प्रकृति के आरोप लगते हैं, ऐसे में बिल्कुल निष्पक्षता से और तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो भी उचित वैधानिक एवं विभागीय कार्रवाई है वो हमारे द्वारा अमल में लाई जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी।